तो हम जब बेमन से ज़िंदगी जीते हैं, उदास होके जीते हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, तो बेमन से जो ज़िंदगी को जिएगा उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, उसकी ज़िंदगी नरक होने लग जाती है। और जो व्यक्ति उस कष्ट के पार जाना सीख जाता है, यानी कि परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहने लग जाता है। तो आपने चुनना है कि करना क्या है। देखिए, ना तो भागना सोल्यूशन है, ना ही उदास रहना सोल्यूशन है, करें तो क्या करें। दुर्योधन अंधकार में उतर रहा है, युद्ध में उतर रहा है, लड़ रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो तो खुद ही अंधा है, मोह से भी अंधा है, और साथ ही उसकी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही, सारे कुल का सर्वनाश कर देना चाहता है। अंधकार में दो लोग ही उतर सकते हैं, या तो वह दुर्योधन की तरह अंधे हों, या फिर जिनके अंदर एक आत्मिक प्रकाश हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति होगा वही अंधकार में उतर कर फिर जो है अंधकार का सामना कर पाएगा, या फिर वो उतरता है जो पूरा ही अंधा है, उसे तो पता ही नहीं क्या अंधकार है। वो अंधकार में उतर भी रहा है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अंधकार में ही उतरते चले जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स के नशे में उतरते जाते हैं, शराब के नशे में उतरते जाते हैं, गलत गलत आदतें अपना लेते हैं, गलत गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, वो अंधकार में नरक में जाते चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अंधकार में है, क्योंकि अंधकार ही जीवन हो गया अब उनका। अगर उन्हें बताया जाए ये नरक है, ये अंधकार है, इससे बाहर निकलो, तो वो निकलना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं इसी में आनंद है, इसी में रस है, तुम मुझे कहाँ लेके जाते हो, कौन करेगा बैठ के ध्यान, तपस्या, पूजा, प्रार्थना। अगर आप बताएंगे कि इसमें इतना आनंद मिलता है, इतना रस मिलता है ध्यान में, परमात्मा की पूजा करने में, सेवा में इतना रस मिलता है, वो कहेंगे कि अपना रस अपने पास रखो, अपना आनंद अपने पास रखो, हम तो बहुत ही निश्चित हैं, हम तो बहुत ही आनंदित हैं, हम अपने अंधकार में ही राजी हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं जो लोग उस अंधकार में अपने आत्मिक प्रकाश से उतरते हैं, और अंधकार में जो पड़े हुए प्राणी हैं उन प्राणियों को उबारते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देवता तुल्य होते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, परंतु उसके लिए चाहिए आत्मबल। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो समाज सुधारक भी होते हैं, जो लोगों को ड्रग्स के नशे से निकालते हैं, जो लोगों को अल्कोहल के नशे से निकालते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधकार में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उससे बाहर जो उबारते हैं उसके लिए बहुत बड़ा आत्मिक बल चाहिए। तो व्यक्ति को अगर देखा जाए तो व्यक्ति स्वर्ग की स्थिति भी अपने लिए उत्पन्न करता है और नरक की स्थिति भी अपने लिए उत्पन्न करता है। कुछ लोगों को नरक में जीना ही अच्छा लगने लग जाता है, परंतु वहाँ से उनको उबार कर स्वर्ग की स्थिति तक लाने के लिए बहुत ही प्रयास की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है वो एक पुल के समान है, एक तरफ तो पशु है और दूसरी तरफ से परमात्मा बन सकता है। तो पशु जैसी स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो वह ऐसे ही नशे में धुत रहता है, गलत आदतों में चला जाता है, फिर वह उन्हीं सब चीज़ों में ही रस प्राप्त करने लगता है। परंतु यदि व्यक्ति चाहे तो इस अंधकार से प्रकाश की दुनिया में भी जा सकता है। वो प्रकाश की दुनिया आती है जब व्यक्ति ध्यान की यात्रा करता है, जब वो भक्ति करता है, जब वह अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके उस शक्ति से कनेक्ट होना शुरू करता है, तब इसकी ज़िंदगी में एक अलग सा बदलाव आने लग जाता है। तब वह एक अद्भुत प्राणी बनने लगता है, बहुत ही अलग ही जीवन उसका होने लग जाता है। तो स्वर्ग में हम जी सकते हैं और नरक में भी हम जी सकते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गीता अपने आप में अद्भुत है। गीता मनुष्य की अंतरतम स्थिति को, यानी कि जो उसकी आंतरिक स्थिति है, जो मनोस्थिति है, उसको समझने का प्रयास करती है कि मनुष्य अंदर से कैसा है, उस मनुष्य को कैसे हम परिवर्तित करें, उसे उच्च अवस्था में कैसे लेकर जाएं। तो अर्जुन अगर देखा जाए तो वह एक पुल के समान है, वह इस समय प्रकाश की यात्रा की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, प्रकाश की तरफ होना चाह रहा है, यानी पशु से वह परमात्मा की तरफ यात्रा कर रहा है, वे अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर रहा है, असत्य से सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। तो पहला कदम जो उसने बढ़ाया है वो परमात्मा की शरण लेकर, परमात्मा की तरफ झुककर उसने पहला कदम उठा लिया है। तो जब कोई व्यक्ति पहला कदम उठाता है उस समय बहुत सारे संदेह, बहुत सारे डाउट्स भी उसको आ रहे होते हैं। जैसे हम किसी एक बीज को देखें तो वो बीज जो है अगर उसको धरती में बो दिया जाए तो उस बीज का अंकुरण हो जाता है। बीज जब बीज था तो वो निश्चिंत था, कहीं भी उठाकर किसान उसको पटक देता था, बोरियों में भरकर आते हैं बीज। अब उन बोरियों को उठाकर पटक दिया जाता है, कैसी भी स्थिति में रख दीजिए, कैसे भी वेदर में रख दीजिए,
किसी भी तरीके के स्थान पर रख दीजिए, बीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बीज उग जाता है, अंकुरण हो जाता है, तब बहुत फर्क पड़ता है बीज को। अब वो जो अंकुर है वो बड़ा ही परेशान रहता है कि कोई भी बच्चा आके उसको पैर से रौंद देगा, कोई भी चिड़िया आकर उसको खा जाएगी, कोई भी कीड़ा आकर खा जाएगा, वो कभी भी नष्ट हो जाएगा। तो भविष्य की बहुत चिंता करता है, मेरा क्या होगा, मैं पेड़ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इतना विशाल वट वृक्ष बन पाऊंगा क्या। तो पेड़ जब वो बन जाता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, या वो बीज रहता है तो निश्चिंत होता है। बीज की जो अवस्था होती है वो हमेशा ही एक बेचैनी की अवस्था होती है, जो अर्जुन की अवस्था है। वो अंदर ही अंदर बेचैन है, अंदर ही अंदर अतृप्त है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है जो वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है, अंदर ही अंदर दुखी हो रहा होता है। अब उस समय वो जो स्थिति होती है, वो जो अंकुर वाली स्थिति है, उस स्थिति में व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। जब ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ पर आ रही है और हमें कुछ बनकर दिखाना है, हमें आगे बढ़ना है, पुरानी सब चीज़ों को हम त्याग कर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उस समय व्यक्ति को एक निर्णय लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं आगे तो बढ़ के दिखाऊंगा, मैं तपस्या करने को राज़ी हूँ, मैं इस परेशानी को झेलने को राज़ी हूँ। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वह उस समय तपस्या करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसे पास करते हैं। फिर जब डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होती है तो उस समय मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी बच्चे तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस समय घबरा जाए कि नहीं मुझसे तो तपस्या नहीं होगी, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी, तो होगा क्या, वो व्यक्ति जो है मेडिकल में जो है फेल हो जाएगा, फिर वापस अपने घर पे ही आ जाएगा। यानी कि वो ऊंचाई पे जा सकता था परंतु वो ऊंचाई पे नहीं जा पाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम तपस्या करने को रेडी हैं, हम तपस्या करने को तैयार हैं। वो बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी चीज़ों को कर सकते हैं, आप भी ऊँचे उठ सकते हैं, अपने दुख से, अपने विषाद से बड़ी ही ऊँचाई पे जा सकते हैं। परंतु उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। देखिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। एक तो रोज़ हर व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ध्यान जो है आपके मन को स्थिर कर देगा, आपकी बुद्धि को कुशाग्र करेगा। क्योंकि जितनी आप गहन शांति में चले जाते हैं उतना ज़्यादा दिमाग पैना होता है, उतना ज़्यादा माइंड शार्प होता है, आप उतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जितना आप अपने धर्म से, संस्कृति से, अपने वैदिक मंत्रों से जुड़ते हैं, वो भी आपकी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। और साथ ही साथ हर समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ज़्यादा मत रहा कीजिए। जब लगता है दो चीज़ें सामने आती हैं, एक निर्णय लीजिए और फिर उस निर्णय पे आगे बढ़ जाइए। जब हम एक निर्णय को लेकर आगे बढ़ जाते हैं तब हमारी जो बुद्धि होती है वो कुशाग्र होती है। यानी हम बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प में नहीं रहते कि ये करूँ या ये ना करूँ।